संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। हमने जब अलग अलग सरकार के फॉर्म देखे उसमें हमने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है यानी क्षैतिज, एक होता है वर्टिकल फॉर्म, फिर कोलिशन गवर्नमेंट होती है, अलायंस गठबंधन की सरकार, और फाइनली जो समूहों की सरकार होती है कम्युनिटी सरकार। तो इसमें जो हम ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल लेवल है, वर्टिकल टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सरकार है या पावर की शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो पावर शेयरिंग है, सत्ता का विभाजन इस तौर पे ऊपर से नीचे या ये कहें ऊर्ध्वाधर, इसी को हम आमतौर पर संघवाद के नाम से जानते हैं, फेडरलिज्म। संघवाद के क्या सिद्धांत है, क्या व्यवहार है इसका, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जो स्थानीय सरकार है यानी सबसे ऊपर आता है हमारा जो केंद्र सरकार है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट हिंदुस्तान की बात करूंगा मैं, और फिर नीचे थर्ड लेवल पे आपकी पंचायती राज, और फिर आता है अगर पंचायती राज गांव है तो, और अगर शहर की बात हो रही है तो नगर पालिका। संघवाद है क्या? संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है या एक प्रणाली है जिसमें सत्ता या पावर को एक केंद्रीय सरकार या केंद्रीय पावर या प्राधिकरण मेन हो गया, और उसके बाद देश में जितने भी घटक है, जितने भी इकाइयां हैं, उनके बीच में डिवाइड किया जाता है। यानी हमारे जो पूरे देश, जैसे भारत का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, इसकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार दिल्ली में बैठती है, संसद है हमारे पास, इसी तरीके से संसद में जो मेजॉरिटी होती है यानी जो लोकसभा में मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाते हैं, उनके मंत्री होते हैं, उनके प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए छत्तीसगढ़ का स्टेट है, छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार होगी, गोवा की अपनी सरकार होगी, सिक्किम मणिपुर की अपनी अपनी सरकार होगी, इसे हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो संघवाद में सरकार के दो स्तर हैं, जैसे मैंने पहला जो बताया आपको, एक पूरे देश के लिए सरकार है जो राष्ट्र के जो सामान्य हित है उनकी पॉलिसीज बनाती है, उनके लिए नीतियां बनाती है, पूरे देश के लिए बनता है और उसके लिए वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो सेकंड लेवल का मैंने बताया आपको छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लेकर, ये प्रांत है हमारा, एक राज्य है, छत्तीसगढ़ इज अ स्टेट, इसकी अपनी सरकार है, और इस राज्य में जो हो रहा है, राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन यानी दिन, अब यहां सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है वो पूरे देश को देखती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आंतरिक मामलों में क्या चल रहा है, यहां पर क्या चाहिए, यहां पर क्या फ्लाईओवर बनने हैं, सिंचाई की व्यवस्था कैसी करनी है, वो कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगी। तो इसका मतलब यहां पर भी एक मुख्यमंत्री हो गया, पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री होते हैं, और यहां पर जो सरकार चुनी जाती है एक स्टेट में उसके एक मुख्यमंत्री होते हैं। संघ सरकार का एकात्मक सरकार के साथ थोड़ा सा विरोधाभास है। इसका मतलब क्या है कि जो संघ सरकार है, इसका मतलब है कि यहां अलग अलग सरकार चल रही है पूरे देश में, और हर एक स्टेट में अलग सरकार चल रही है, यानी जो एकात्मक सरकार होती है इसका मतलब है पूरे देश के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक देश लीजिए उसके लिए एक ही सरकार होगी, यानी कोई क्षेत्र के लिए सरकार नहीं होगी, कोई स्टेट के लिए सरकार नहीं होगी, पूरे देश के लिए एक सरकार होगी, उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं कि केवल एक ही सरकार होगी। संघ सरकार का मतलब यह है कि हर एक लेवल पे, जिस लेवल पे आप अंदर, जैसे मैं इसको और डिवाइड कर दूं, छत्तीसगढ़ को और डिवाइड कर दीजिए आप डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दीजिए इसको, और फिर वार्ड्स में डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, गांव तक चले जाइए, पंचायत तक चले जाइए, पंचायती राज तक चले जाइए आप, तो उस लेवल तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है संघ सरकार में। यानी एकात्मक प्रणाली में इसके तहत जो है सरकार का केवल एक स्तर होता है, एक ही सरकार होगी, और केंद्रीय सरकार जो एकात्मक प्रणाली है उसमें एक ही सरकार होने वाली है, और जो भी उप इकाइयां होंगी, जैसे अगर मान लीजिए हिंदुस्तान एकात्मक प्रणाली में होता तो ये छत्तीसगढ़ की अलग सरकार नहीं होती, ये सारे के सारे जो स्टेट है वो सेंट्रल के ही अंडर में आते, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते। जबकि संघीय प्रणाली में क्या हो रहा है, हमारे पास एक सेंट्रल सरकार है, जैसे आज मैं अगर बताऊं तो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केंद्र सरकार है, और अगर आप छत्तीसगढ़ में आ जाए तो आज के समय में
यहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो ये कोई भी, अब देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट सरकार है, इंडिपेंडेंट सरकार है जो छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो बेल्जियम में जो एकात्मक शासन की जगह क्या किया, हमने जो पिछले बार पढ़ा बेल्जियम की बात की, हमने श्रीलंका की बात की, तो बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह, वहां पर अगर बेल्जियम में एक ही सरकार चला देते तो फिर फ्लेमिश इलाकों में डच का क्या होता, और उसके बाद नीचे अगर आ जाए तो जो फ्रेंच स्पीकिंग थे जो वेलोनिया में रहते थे उनका कैसा होता। तो इन्होंने क्या किया कि बाकायदा बेल्जियम ने एक संघीय ढांचा या संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में ऐसा नहीं, श्रीलंका में एक ही सरकार चलती है, वहां कोई स्टेट नहीं क्योंकि जगह भी छोटी है, लेकिन बेल्जियम भी तो छोटा है, लेकिन श्रीलंका ने किसी को पावर शेयरिंग नहीं की और एक ही सरकार चलाते रहे, जिसमें जो श्रीलंका की मेन सरकार है जो केंद्रीय सरकार है उसी के पास सारे अधिकार है। तो श्रीलंका के जो तमिल नेता ये चाहते थे कि इस इलाके का, इस देश का एक संघीय ढांचा बने कि आप सिंघाला लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले और तमिल लोगों को मिले, लेकिन श्रीलंका में ऐसा हुआ नहीं। आप ध्यान रखें, एक बार और बताता हूं कि ये दोनों स्तर की जो सरकार है हिंदुस्तान में या फिर किसी भी इस फेडरल स्ट्रक्चर में अगर देखें तो जो सेंट्रल की सरकार होगी, जो देश की सरकार है पूरी, और जो स्टेट की सरकार है, उनके अपने अपने स्वतंत्रता को लेकर वो काम करती हैं, वो अपने अपने मामलों पर अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं, फ्रीडम से काम करती हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इसके लिए जो राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होंगी उसके लिए वो केंद्रीय सरकार उसके लिए जवाबदेह नहीं होती। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार उस राज्य के लिए। तो ये संघीय व्यवस्था है, इसको हम बाकी व्यवस्थाओं से कैसे अलग करेंगे, क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो इसकी विशेषताएं कुछ इस तरीके से है, पहले समझिए हमारे देश में दो लेवल की नहीं तीन लेवल की सरकार है, बल्कि तीन से ज्यादा भी जाती है। अब कैसे, सबसे ऊपर आता है केंद्रीय सरकार जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर और लेवल पर जाएंगे तो हमारे पास पंचायत, पंचायती राज अगर गांव है, या फिर नगर पालिका इस लेवल पर जाती है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है यानी कि जब हम संघीय ढांचा कहते हैं तो वहां दो या दो से अधिक ये स्तर, देखिए एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, दो या दो से अधिक स्तरों में हो सकता है। अलग अलग जो स्तर की सरकार है, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, या चाहे ले लें, ये समझ लीजिए कि ये सरकारें अलग अलग स्तर पर एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे देश पे राज कर रही है, पूरे देश पे शासन कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी एक स्टेट पे गवर्न कर रही है, उसको उसके लिए नीतियां लागू कर रही है, कानून बना रही है, लेकिन सबका अपना अधिकार क्षेत्र फिक्स्ड है। यानी आप मेरे, मैं जिस जिसके लिए कानून बना सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट जिसके लिए काम कर सकती है जो उसके अधीनस्थ क्षेत्र है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये इसमें अपने अपने अधिकार क्षेत्र डिफाइंड है। ये जो अलग अलग स्तर आपने देखे, अलग अलग स्तर जो देखे, इन सरकारों में जो अलग अलग स्तर है उसके अधिकार क्षेत्र संविधान में बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जो स्टेट की सरकार है, और जो पंचायती राज है, और साथ में जो आपके अगर नगर पालिका है, बिल्कुल हर स्तर पर क्या किसको कैसा करना है, इनके हर स्तर पे संविधान में क्या अधिकार होंगे, इसकी पूरी गारंटी है, पूरी सुरक्षा है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है ना, वो किसी की कोई बहुसंख्यक सरकार है और वो कुछ बदलना चाहती है, मान लीजिए वो मौलिक प्रावधान, संविधान के मौलिक अधिकार क्षेत्र या मौलिक प्रावधान जो संविधान में दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, अगर उसको बदलना चाहती है तो ना ये बदल पाएगी ना ये बदल पाएगी। इसके लिए इन दोनों की सहमति जरूरी है, चाहे आप छत्तीसगढ़ की सरकार को ले लें, चाहे देश की सरकार को ले लें। जब तक छत्तीसगढ़ और देश की सरकार दोनों कॉमन ग्राउंड पर नहीं आएंगी, दोनों इस लेवल पर नहीं आएंगी, या पूरी सरकार ले लें आप, तो हम पूरे देश की सरकार ले लें, सारे स्टेट्स ले लें, अगर इनकी सहमति नहीं होगी ना, तो अब संविधान में कोई भी चेंज नहीं हो सकता।
अदालतों को संविधान और अलग अलग जो स्तर है उनकी सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। हमारे पास जो अदालत है, जुडिशरी है, वो पूरी तरीके से बता सकती है, उनके पास संविधान है, वो व्याख्या कर सकती है किसके क्या अधिकार है। तो अगर अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ दिक्कत आई, मान लीजिए छत्तीसगढ़ और हमारा जो केंद्र सरकार है उसके बीच में कुछ दिक्कत आती है, तो जो जुडिशरी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही निर्णायक भूमिका, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वही निर्णायक होगा। अब आइए पैसे पे, जो वित्तीय स्वायत्तता है यानी कि पैसे की जो ऑटोनोमी है, पैसा इसको ये किसके पास कहां से पैसा आएगा, कि कोई कितना पैसा खर्च करेगा, किधर किधर करेगा, इसके लिए जो पैसा अर्जित करेंगे, जैसे अब जो राज्य सरकार है वो शराब पे टैक्स लगाती है आबकारी क्षेत्र, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जीएसटी पे लगेगा, जैसे कोई भी सामान खरीदा जाता है, ऐसे और भी टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स होता है। तो ये जो टैक्सेस होते हैं कौन किस पे लगाएगा, कौन किसका कहां कहां से स्रोत है, मतलब सरकार को पैसा चाहिए तभी तो आप पे खर्च कर पाएगी, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है इसमें। इस तरीके से जो हम संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संघीय व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं उसके दो उद्देश्य हो गए, एक देश की एकता की सुरक्षा करना, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ही केवल रही तो वो तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है अपने हिसाब से, लेकिन हमारे पास राज्य की अलग सरकार है तो देश की एकता की सुरक्षा हो जाती है, इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर एक तमिलनाडु में चले जाएं आप, वहां तमिलनाडु की अलग अलग सरकार है, तो तमिलनाडु की सरकार को तमिलनाडु के लोगों ने चुना है और वो उसके हिसाब से डिसाइड करती है, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों का हित मेन, तमिलनाडु की सरकार का मेन काम उनके हितों की रक्षा करना है। तो एक तो देश की एकता की सुरक्षा हो जा रही है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ में जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उसका सम्मान पूरा होता है। अगर आप सिक्किम में जाएंगे तो वहां का पूरा एथनिक या ये कहें कि पूरा बातचीत, खान पान सब अलग है, कल्चर अलग है, तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग विवरण है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें देखते हैं हमारे देश में, उसका सम्मान भी होता है। आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, एक तो आपसी भरोसा यानी जो जितने भी लेवल के हैं इनका आपस में एक दूसरे पे भरोसा, पहली चीज, और साथ रहने पर सहमति, ये मेन संघीय ढांचे में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, दो प्रकार के हमारे पास मार्ग है जिसके माध्यम से संघों का गठन किया जाता है। अगर हमको फेडरल गवर्नमेंट बनानी होती है या फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो उसके उसको गठन करने के कुछ माध्यम हो सकते हैं। पहला मार्ग मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। पहला जो है वो है स्वतंत्र राज्यों को एक साथ लाने के लिए एक बड़ी इकाई का गठन किया गया है, जैसे बहुत सारे अगर अलग अलग राज्य है या देश है उनको मिला लिया जाए और उनको कहा जाए कि एक साथ संघ है, इसको हम कहते हैं कमिंग टूगेदर। दूसरा मार्ग क्या है, एक बहुत बड़ा देश है वो क्या करता है, शक्ति अपने राज्यों में विभाजित कर देता है, इसको हम कहते हैं एक साथ संगठनों को पकड़े हुए यानी कि होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये दो अलग अलग है जो आपके, क्योंकि हमारा संघ की स्थापना जो है वो आज नहीं हुई है, किसी भी देश में जब ये सरकारें बनती हैं, स्ट्रक्चर बनता है तो वो सालों साल से जो ऐतिहासिक चीजें चले जा रही आ रही हैं, पुराने जमाने में जो चीज हुई है उनके हिसाब से बनाई जाती है। तो संघीय शासन व्यवस्थाएं दो तरीकों से गठित होती है, जैसे मैंने बताया, पहला जो है उसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ बड़ी इकाई का गठन करते हैं, मिलके एक दोनों स्वतंत्र राष्ट्र मान लीजिए हैं तो दोनों स्वतंत्र राष्ट्र मिल जाएंगे और साथ में वो अपना स्वतंत्रता बरकरार रखेंगे, अपनी अपनी पहचान अलग अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए ए कंट्री बी कंट्री दोनों आपस में आके मिल गए, कह रहे हैं कि हम दोनों कमिंग टुगेदर, हम लोग एक देश हो गए, तो अपनी अपनी अलग उनकी पहचान बनी हुई है, सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए ये वाला रास्ता अख्तियार करते हैं कि हम दोनों मिल जाएं तो सुरक्षा हमारी बेहतरीन होगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, नाम ही देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब ये स्टेट्स आपस में मिले हैं तब अमेरिका बना है। ऐसे ही आपका स्विट्जरलैंड ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए। तो ये जो संघीय व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली जो कमिंग टुगेदर है, उन मुल्कों में आमतौर पर जहां पर प्रांतों को बिल्कुल समान अधिकार दिया जाता है और केंद्र के बराबर या कहें उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं,
मैं फिर से बताता हूँ, कमिंग टुगेदर का मतलब यह है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी कि एक स्टेट वन है, एक स्टेट टू है, ये आपस में साथ आ गए, एक बड़ी यूनिट बना दी इन्होंने, स्टेट वन स्टेट टू मिलके एक बड़ी यूनिट बन गई। इसके बाद ये चाहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा है, मतलब अगर हम दोनों मिल जाए, जैसे मुट्ठी अगर हम बंद कर दें तो मुट्ठी पावरफुल हो जाती है ना, तो हमारी जो सोवरेनिटी होगी, या अगर हम मिल जाएंगे तो हमारी अच्छी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो हर एक स्टेट का अपना पावर बिल्कुल बराबर होता है, ऐसा नहीं कि स्टेट वन और स्टेट टू दोनों अलग अलग पावर के हो गए, दोनों बराबर हो गए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो इसका तरीका है संघ बनाने का, वो है होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या है कि एक बड़ा देश, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान देखिए, इसमें कितनी सारी विविधता है। तमिल में, तमिल अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में, तो बिल्कुल अलग चीज दिखेगी। कश्मीर में जाएंगे, कन्याकुमारी में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, कन्याकुमारी तक जाएंगे, आपको इतने सारे राज्य मिलेंगे, अलग अलग खान, अलग अलग पान, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति। तो यहां पर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा हो जाता है। जैसे भारत की बात मैं कर रहा हूं, भारत में, बेल्जियम में, स्पेन में, ये इसी तरीके के उदाहरण हम दे सकते हैं। तो जो दूसरे श्रेणी वाले जो इसमें राज्य, मतलब जैसे केंद्र सरकार हो गया, उसके बाद राज्य सरकार आती है, राज्य सरकार के पास थोड़ी सी कम पावर होती है। तो ऐसे कई ऐसी जगह होती हैं जिसमें समान अधिकार भी दिए जा सकते हैं, कम अधिकार भी थोड़े मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य को बड़े स्पेशल पावर्स दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के पास था, लेकिन वो अभी चेंज हो गया। होल्डिंग टुगेदर के बारे में दोबारा बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, वो अपने को अलग अलग भागों में बांट लेती है। किस तरीके से? पावर के नाम पे, ऐसे नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाउंड्री के हिसाब से, नहीं, उसने एक बड़ी कंट्री को अलग अलग एक बाउंड्री में इस तरीके से बांटा कि वो बाउंड्री अलग अलग संस्कृति की है या भाषा की है, और उनको पावर दे दिया। लेकिन सेंटर इसमें केंद्रीय सरकार जो राज्य स्तर है उससे पावरफुल रहती है हमेशा, यानी कि एक जो ऊर्ध्वाधर है पहले लेवल पे जो होगा उसके पास पावर ज्यादा होगी, दूसरे पे कम होगी, इस तरीके से नीचे कम होती चली जाएगी। जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, स्पेन और बेल्जियम में है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, क्या भारत एक संघीय देश है? बिल्कुल है। भारत ने जो संविधान ने बकायदा भारत के राज्यों को, या कहें हमारे देश को, संघ की तरह डिफाइन किया है, संघ की तरह घोषित किया है। संविधान ने केंद्र सरकार, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य सरकार, इसके दो स्तर की अभी प्रणाली हमारे पास है, तीसरे स्तर की भी है। यानी पहले तो दो प्रणाली बनाई गई थी, केंद्र सरकार और फिर उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद पंचायत और नगर पालिका के रूप में तीसरा लेवल भी आ गया संघवाद में। ऊर्ध्वाधर चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, जिसे वर्टिकल कहते हैं। तो संविधान की अलग अलग सूचियां हैं, पावर सब डिफाइंड है। आजादी के कुछ समय के बाद बहुत सारे जो अलग अलग स्वतंत्र रजवाड़े थे, हिंदुस्तान ऐसे नहीं बना, बहुत हर एक जो क्षेत्र था वो अलग राजा के अधीन था, रजवाड़े थे, वो भारत में आके विलीन हुए। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ा। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ इसीलिए घोषित किया गया क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग रजवाड़ों के अंतर्गत थे, अलग अलग उनकी विविधताएं हैं। संविधान में बिल्कुल क्लियर रूप से जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके बीच में जो पावर है, अधिकार है, वो बिल्कुल क्लियरली बांटा है उन्होंने। तो तीन सूचियां बनती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी पावर है कुछ, इनकी पावर है कुछ अधिकार क्षेत्र, इसके बीच में कुछ ऐसे पावर आते हैं जो इनके भी है और इनके भी है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो तो इनके है, जो इनके पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो इनके पास नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों के पास है। तो फेडरलिज्म में जो पावर दिया जाता है नेशनल गवर्नमेंट को, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है, वो यहां दिख रहे हैं आपको, पावर जो स्टेट के पास है वो ये है, और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये दोनों के पास है। मैं इनको बताता हूं, जो संघ सूची है यानी केंद्रीय सरकार के पास क्या क्या है, एक प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेश के मामले, बैंकिंग, संचार के मामले, मुद्रा यानी कि जो फाइनेंस है, पैसा है, जिसमें ये राष्ट्रीय महत्व की जो बात आती है वो हमारे केंद्रीय सरकार के पास है। तो पूरे देश में जो नीतियां बनती हैं वो कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार। इसीलिए इनको किस सूची में डाला गया है? संघ सूची में। जैसे वॉर डिक्लेयर करना, लड़ाई, अब आर्म फोर्सेस, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, विदेशी जो मामले हैं, ट्रेडिंग, जो कॉपीराइट और पेटेंट लॉस है, या पोस्टल पैसा, ये सब किसके पास आ गया? आपके केंद्र सरकार के पास।
राज्य सरकार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार के पास पुलिस होती है, पुलिस वहां पर काम जो पुलिस होगी वो राज्य सरकार के अंडर में होगी। व्यापार जो होगा, वाणिज्य जो होगा, कृषि, सिंचाई, ये सब यहाँ इनके पास है। यानी एक तो लोकल गवर्नमेंट स्कूल चलाना और स्टेट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है यानी जो व्यापार हो रहा है, इलेक्शन करवाना, ये भी इनके पास है स्टेट के अंदर, और पब्लिक सेफ्टी देना, इसके अलावा जो मैंने आपको बताई वो सारी इनके पास है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, जो दोनों में कॉमन है। इसमें शिक्षा आता है, फॉरेस्ट आते हैं, वन, मजदूर संघ आते हैं, विवाह, शादी ब्याह, गोद लेना किसी को, और उत्तराधिकार, मतलब एक आपके पिता है, पिताजी है, फिर आप है, फिर आपके बाद जो आएगा, तो गोद लेने उत्तराधिकार का जो है वो केंद्र के साथ साथ राज्य के पास भी है। ये कॉमन पावर हो गया, जैसे टैक्सेस को बढ़ाना, पब्लिक वेलफेयर देना, क्रिमिनल जस्टिस हो गई, पैसे लेना, बैंक है, चार्टर बैंक, रोड बनाना, ये सारे इसके सेंटर समवर्ती सूची में आते हैं, जो दोनों के पास है। लेकिन जब दोनों कानूनों में अगर टकराव हो गया, जैसे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ टकराव हो गया, तो ध्यान रखिएगा जो केंद्र सरकार है वो हमेशा उसके द्वारा जो कानून बनाया है उसी को मान्यता दी जाती है, यानी केंद्र सरकार ऊपर आती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आई, अब जो अगर लिस्ट बन गई उसके बाद कुछ आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये बाद में आए, तो ये सब केंद्र सरकार के क्षेत्र में चले जाते हैं, केंद्र सरकार की सूची में चले जाते हैं, केंद्र सरकार इसके लिए काम करेगी। कई ऐसे राज्य हैं जो स्पेशल राज्य हैं, जैसे आप देखिएगा जम्मू कश्मीर, जिनको एक अभी इनका स्टेटस खत्म कर दिया गया है 2019 में, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल राज्य, क्योंकि जब ये हमारे देश में मिले, हमारे देश के साथ आए, तो ये अलग राजा के अंडर में थे, तो इनके बीच में और देश, हमारे देश के बीच में कुछ बात हुई, कुछ चीजें साइन की गई, उसके हिसाब से इनका अपना संविधान होगा। यानी भारत का संविधान यहाँ पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। एक और जो चीज थी, जैसे ना जो कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी है, कि हर आदमी वहां जाके जमीन या मकान नहीं ले सकता, वो केवल इसलिए था क्योंकि ये जब हमारे साथ आए थे देश में, तो कुछ चीजें साइन हुई थी, कुछ चीजों पर डिस्कस हुआ था, तब ये बने थे, तो इनको इसलिए स्पेशल पावर दी गई थी। भारतीय संघ की कई ऐसी इकाइयां हैं, हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके पास बहुत कम अधिकार है, क्योंकि बहुत छोटे थे, अब इतने छोटे थे कि इनको ना तो राज्य बनाया जा सकता था, ना इनके इनके साथ क्या किया जाता, तो ये स्वतंत्र प्रांत तो बन नहीं सकते थे, तो इसलिए क्या किया गया इनको, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता था कि ये कोई और राज्य है उसके साथ मिला दिया जाए, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जिसपे केंद्र शासन करेगा, जिसपे केंद्र शासन करेगा, मतलब जहां पर, जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, मतलब केंद्र ही राज्य कर रहा है इस पर। चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जैसे हमारे देश की राजधानी है, एक हमारे देश की राजधानी दिल्ली ऐसी है जहां पर खुद की सरकार है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी। देखिए, कोई भी अगर आप बंटवारा करना चाहें ना, जो ये सूची हमने देखी, जो सत्ता है अब ये इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो भी बंटवारा है, उसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। पहले आपको संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, उसके बाद पूरा का पूरा जो विधानसभा है, यानी जो राज्यों की विधानसभा है, उनसे भी मंजूर करवाना पड़ेगा, तो ये इतना इजी काम नहीं है। संविधान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, संविधान में जो चीज लिखी गई है, बीच में जो सत्ता का बंटवारा है, वो आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा कि अगर शक्तियों के बंटवारे में कोई दिक्कत आती है, तो सीधा आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, राइट, सीधा आप जा सकते हैं। अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जो हम फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं या फेडरल व्यवस्था, ये कैसे चलती है, तो संघवाद या फेडरलिज्म की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। यानी जो संविधान में लिखा हुआ है, जो चीजें हमें मिली हुई हैं, लिखी हुई हैं, वो तो आवश्यक है, लेकिन ये पूरी पर्याप्त नहीं है। भारत में जो संघवाद है, उसकी वास्तविक सफलता को हमारे देश में लोकतंत्र की राजनीति की प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी हमारे देश में जो संघवाद सक्सेसफुल है, या फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेवल पे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, किसका, पावर का, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति की प्रकृति है, वो इसको और हेल्प करती है, मदद करती है। अब इसमें जो बात आती है वो है भाषाई राज्य की। अब भाषाई राज्य का मतलब क्या हुआ, कि भाषाई राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहला और बड़ा, बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी, कि राज्य कैसे बने जाए, या फिर इनकी, जब हम इंडिपेंडेंस पा रहे थे उस समय
किस तरीके से परिधि बाउंड्री राज्यों की स्टेट्स की तय की जाए, क्योंकि कई पुराने राज्य गायब हो गए और कई सारे नए राज्य एग्जिस्टेंस में आए, ये बनाए गए। 1947 में जो नए राज्यों को बनाने के लिए भारत में कई सारे जो पुराने राज्य थे उनकी सीमाओं को बदला गया था, बदल दिया गया था, और यह सुनिश्चित किया गया था कि एक क्षेत्र, मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है, अब यहां पर हो सकता है कि इस क्षेत्र में एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों, तो इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से बांटा गया, ऐसे बांट दिया गया कि एक भाषा बोलने वाले, एक लैंग्वेज बोलने वाले वो एक जगह पर रहे और इसको उसके साथ मिलाया गया जिनकी भाषा इनके साथ ज्यादा मैच करती है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए ये सीमाएं इसलिए बदली गई क्योंकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहे। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी कि हमारी एक भाषा है तो हमें एक राज्य या एक बाउंड्री दी जाए, तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं को यह डर जरूर था उस समय कि इससे देश का विघटन तो नहीं हो जाएगा भाषाई आधार पर या लिंग्विस्टिक आधार पर। तो कुछ अन्य राज्यों का जो गठन हुआ उसमें ये चीज नहीं आई, कहने का मतलब भाषा ही नहीं आई केवल। हम अगर ये माने कि पूरे देश में जो अलग अलग राज्य या क्षेत्र बने हैं उसमें केवल भाषा के आधार पर हमने डिवाइड किया है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका आधार उनकी संस्कृति, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जैसे उनकी थी। अगर आप एक जगह पठार देखें तो पठार वाले के बाद एकदम अगर पहाड़ आ रहा है तो पहाड़ वालों को एक जगह रखा गया, पठार वालों को एक जगह रखा गया, यानी भूगोल ज्योग्राफी पे भी बड़ा असर पड़ा कि भाई बाउंड्री कैसे बनाई जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जातीयता, एथनीसिटी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर एक भाषा बोलने वाले थे या दूसरे भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन इनकी भाषा या इनकी एथनीसिटी या इनकी जो ये कहें संस्कृतियां इनसे ज्यादा मिलती है तो इनके साथ मिला दिया गया। कहने का मतलब कि जो एथनीसिटी होता है, जातीयता, एक जाति के या एक ये कहें कि एक पुराने फॉर्म से, पुराने ये कहें कि फोर फादर से वो चले आ रहे हैं, तो उनको एक साथ करने की कोशिश की गई। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये राज्य उनमें शामिल हैं जो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि इन सब संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर बांटे गए। अब भाषा से जब राज्य बने तो जैसे मैंने कहा कि कई लोगों ने ये कहा, सोचा कि भाई विघटन ना हो जाए, कहीं देश का भाषाई आधार पर विघटन ना हो जाए। तो हमने ये देखा कि जब भाषा के आधार पर जब राज्य बने तो इस हमारे राज्यों में, हमारे देश में काफ़ी एकीकरण हुआ, एकीकृत ये कहें कि सेंटिमेंट्स आए और मजबूत हुआ देश, यानी जो प्रशासन था वो अब और सुविधाजनक हो गया जब भाषा के आधार पर बाउंड्रीज बनाई गई। तो भाषा की नीति क्या थी, भारतीय संघ इसके लिए दूसरी परीक्षा क्या थी कि भाषा नीति क्या होगी। अब श्रीलंका में हम देख चुके थे कि सिंहला भाषा, इसको लादा गया सब पे और उसके बाद सिविल वॉर शुरू हुआ। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी जरूर है इसकी पहचान, लेकिन आधिकारिक भाषा की तरह है, ध्यान रखिएगा, आधिकारिक भाषा की तरह हिंदी की पहचान है, क्योंकि 40% पूरे देश में हिंदी बोलते हैं, बाकी 60% अलग भाषा बोलते हैं। तो संविधान के अनुसार जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग भी रखा गया, क्योंकि अंग्रेजी का उपयोग जो था वो 1965 संविधान के आधार पर 1965 में इस अंग्रेजी का उपयोग रोक जाना था, यानी ये बंद हो जाना था, लेकिन ये जारी रखा गया। केंद्र सरकार ने जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के अलावा साथ में अंग्रेजी के उपयोग के लिए अपनी सहमति दी। हिंदी को बढ़ावा देने का कहीं भी ये मतलब नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 60% अलग भाषा बोलते हैं, 40% हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी की अगर को बढ़ावा दिया जाए तो वही सिंहला वाला केस हो जाएगा। लेकिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं कि हिंदी उन पे लागू की जाए जो अलग भाषा बोलते हैं। अगर आप सोचिए कि आप कन्नड़ भाषा बोलते हैं और आपको हिंदी के लिए बाध्य किया जाए तो आप क्या करेंगे। तो भाषा नीति में मैं थोड़ी सी जो चीज और आपको बताऊंगा कि फिर से हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीय की मातृभाषा है, तो हिंदी को केवल राजभाषा माना गया है। संविधान में
21 और भाषाएं हैं जिनको भाषा यानी कि अनुसूचित शेड्यूल मतलब एक लिस्टिंग दी गई है, उस भाषा में इनको रखा गया है, इनको इसकी इन भाषाओं में काम चलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, इसलिए इनको उस लिस्ट में रखा गया है, दर्जा दिया गया है अनुसूचित भाषा का। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, कई स्टेट्स हैं उनकी अपनी राज्य भाषाएं हैं और बहुत सारा काम उनकी राजभाषाओं में होता है। जैसे अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिल राजभाषा है तो बहुत सारा काम तमिल में होता है। जैसे मैंने आपको बताया संविधान के अनुसार 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कई लोगों ने इसकी मांगी, कई ऐसे गैर हिंदी भाषाई जो थे वो क्या करते थे, वो अंग्रेजी में उन्होंने बात करना शुरू किया या काम करना शुरू किया, तो तमिलनाडु में ये मांग उठी और उसके बाद ये मांग बड़ी उग्र भी हो गई कि अंग्रेजी को बंद ना किया जाए। फिर सरकार ने कहा ठीक है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी, लचीला रुख अपनाया सरकार ने। काफी समय तक अगर हम देखें केंद्र राज्य संबंध किस तरीके से रहे तो इसको भी मैं डिस्कस करता हूं। पहले से ये समझिए केंद्र राज्य संबंध है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी सेंटर वाली सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट इन मतलब स्टेट की सरकार या वहां के जो संबंध रहे उसको बहाल करना एक और जिसमें एक व्यवहार जो था संघवाद का, संघवाद ने केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूती प्रदान की। 1990 में देश के कई राज्यों में ऐसा हुआ कि अलग अलग क्षेत्रीय दल बने, राजनीतिक दल बने और फिर इन्होंने केंद्र में कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार बनाई। अगर पूरे जैसे कुछ मेन पार्टियां हैं अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो मिलके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और क्योंकि लोकसभा में ये देखा गया कि जब चुनाव हुए तो किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं तो ये जो प्रमुख राष्ट्रीय दल उपजे जो डेवलप हुए उन्होंने मिलकर सरकार गठबंधन सरकार कोलिशन सरकार अलायंस वाली सरकार बनाई। अब इससे क्या हुआ कि राज्य सरकार की स्वायत्तता के लिए एक साझाकरण और सम्मान की एक नई संस्कृति बनी कि पहले क्या होता था एक कोई दल बहुमत पाता था वो सेंटर में भी है स्टेट में भी है लेकिन अब स्टेट में अलग सरकार है और स्टेट की सरकारें मिलके या राजनीतिक दल मिलके एक सरकार सेंटर में बना रहे हैं तो एक अच्छी तरीके से साझाकरण हुआ सम्मान सबको मिला। तो इस तरीके से संविधान लागू होने के बाद के शुरुआती वर्षों में जो संघीय शक्ति साझाकरण आज की तुलना में अधिक प्रभावी है जो पहले था आज के हिसाब से और भी ज्यादा ये जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो और प्रभावी हो गया है। काफी समय तक एक ही पार्टी जिस तरीके से मैंने बताया कि केंद्र और मोस्टली सारे राज्यों में इनकी सरकार होती थी तो इसका मतलब ये होता था कि जो राज्य सरकार है जो राज्यों में सरकार है वो संघीय इकाई की तरह अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार और राज्य में भी वही सरकार तो केंद्र जो कहता था या केंद्र जो डिसीजन लेता था वो राज्य कर लेता था तो अपनी जो स्वायत्तता थी अपनी जो स्वतंत्रता थी राज्यों के पास उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा था। केंद्र सरकार अक्सर ऐसा करती थी कि मान लीजिए कोई और दल है जिसकी सरकार बनी हुई है राज्य में तो वो सरकारों को भंग कर देती थी क्योंकि संवैधानिक ऐसे प्रावधान कुछ संविधान में है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है तो उसके उसको यूज करके जो चुनी हुई सरकार है राज्यों की उनको भंग कर दिया करती थी केंद्र सरकार। और ये संघवाद नहीं था ये बहुत प्रतिकूल भावना थी फेडरलिज्म की। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 1990 के बाद स्थिति बदली गठबंधन सरकारें आईं अलग अलग जो राष्ट्रीय दल के अलावा क्षेत्रीय दल जो बहुत पावरफुल हुए उन्होंने मिलकर क्योंकि कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो इन्होंने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। तो ये जो फैसला था ये जो चीज हुई इसके कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना जो केंद्र सरकार किया करती थी पहले कई बार ऐसा देखा गया 1990 के पहले वो बहुत मुश्किल हो गया। तो संघवाद जो है वो और पावरफुल हुआ यानी फेडरलिज्म और पावरफुल हुआ। अब भारत में जो विकेंद्रीकरण है पहले मैं आपको ये बता दूं ये चीज होती क्या है उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम जब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की ये हम बात करते चले आ रहे हैं लेकिन ये पहला लेवल है दूसरा लेवल है एक तीसरा स्तर है जिसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन यानी अभी मैं आपको इसका नाम अभी को बताने वाला हूं क्योंकि ये इसमें विविधता है। सबसे पहले देखिए कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा अपना शासन खुद करना स्वशासन करना। तो अगर आप गांव के क्षेत्रों में आ गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे
लोअर लेवल पे आती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के ऊपर आता है जनपद पंचायत, और फिर उसके बाद आता है जिला पंचायत। इसको हम कहते हैं पंचायती राज। क्या कहते हैं? पंचायती राज। अगर नगर के क्षेत्र में आ जाए तो नगर पंचायत है, उसके ऊपर नगर पालिका है, और उसके ऊपर नगर निगम है। तो भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि पंचायती राज भी है, नगर पालिका भी है, नगर निगम भी है। तो जो हमने बात की उसमें सरकार के पास क्या होता था, जैसे इससे पहले जो बात की, दो या दो से अधिक टियर है, यानी दो या दो से अधिक स्तर है, और भारत इतना विशाल देश है कि दो स्तरों में तो काम चलेगा नहीं। अगर आप केवल कहें कि एक सेंटर की सरकार हो, एक स्टेट की सरकार हो, तो उसमें काम बनेगा नहीं। तो इसमें संघीय शक्ति का बंटवारा बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इसके लिए एक और स्तर की ज़रूरत थी, और जैसे ही स्तर बढ़ते हैं तो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इसके लिए अब स्थानीय सरकार आई, तो मैं इसको कहूंगा स्थानीय सरकार। यह तीसरी श्रेणी की सरकार जरूरी हो गई। जब केंद्र और राज्य सरकार ने से सत्ता बटी, यानी कि केंद्र और राज्य की जो पावर्स कुछ यहां पर आई, किनके पास? स्थानीय सरकारों के पास। इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब समझ गया आप, इसे कहते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्थानीय स्तर पर जरूरी, यह जरूरी हो गया था इन सरकारों का बनना या छोटे छोटे लेवल के ग्रुप्स का बनना, क्योंकि वहां के लोग अब सीधा डिसीजन लेते हैं और सरकार में अपना रोल सुनिश्चित करते हैं। संविधान में बकायदा संशोधन हुआ 1992 में, संविधान में चेंज किया गया, और उसके बाद यह विकेंद्रीकरण किया गया कि अब पंचायती राज भी आएगा और यह तीसरा स्तर बना। तो मैं फिर से इसको यह समझाना चाहूंगा आपको कि भारत एक बहुत विशाल देश है, इतने बड़े विशाल देश में इतने दो स्तर पे आप पूरी तरीके से शासन नहीं चला सकते। अब आप देखिए, एग्जांपल दूं कि यूरोप, पूरा यूरोप अगर ले लें या यूरोप के देश ले लें, हमारे जो एक एक राज्य है वो यूरोप के राज्यों से बहुत बड़े हैं। जैसे जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है, और रूस बहुत बड़ा देश है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, और भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग एथनिसिटी है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसलिए राज्यों को सत्ता बांटना जरूरी हो गया था, केवल राज्य तक सरकार नहीं, इसके नीचे भी सरकार आनी है। तो जो भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ, पावर नीचे की तरफ गया, इसके पीछे यही तर्क है जो मैंने आपको बताया। तो विकेंद्रीकरण यानी पावर को और डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे लेवल तक, आपके घर के लेवल तक लेके आना, ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसके पीछे बुनियादी सोच है वो ये है कि सामाजिक और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, यानी कोई भी मुद्दा है, कोई भी समस्या अगर स्थानीय स्तर पर है तो ये स्थानीय लोग ही तो इसको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, अच्छी तरीके से बना पाएंगे और अच्छी तरीके से इससे निपट पाएंगे। अगर आपके घर के पास में एक पुल है, वो टूट गया है और छोटा पुल है, इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अगर आप अपने पार्षद के पास गए या पंचायत के पास गए, पंचायत उसे बना देगी, पार्षद इस पर काम कर लेगा, नगर निगम का वो पार्षद होता है तो आपके लिए कर लेगा। इसके लिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसे कर पाएगी, और करने अगर करने की कोशिश भी करेगी तो इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। तो यही इसके पीछे बुनियादी सोच थी। तो हुआ ये कि 1992 में बकायदा संशोधन किया गया, संविधान में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और फिर तीसरा स्तर बनाया गया जिसने हमारे संघीय ढांचे को, शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी किया। क्या क्या हुआ इसमें, जो चीजें नहीं निकल के आई कि जो स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस संशोधन में अमेंडमेंट जो किया गया कि भाई अब जो स्थानीय लेवल है, जो हमने तीसरे लेवल की सरकारों की बात कर रहे हैं, वहां पर बकायदा चुनाव होने हैं, और जो निर्वाचित स्वशासी निकाय है, यानी ये अपने आप स्वशासन करते हैं, उसके जो सदस्य हैं या जो पदाधिकारी बनेंगे, जो उसके हुक्मरान बनेंगे, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, इसकी सीटें जिस तरीके से आरक्षण गवर्नमेंट नौकरियों में होता है, यहाँ पर भी आरक्षण होगा। और महिलाओं को एक तिहाई सीट मिलनी ही मिलनी है, 1/3, यानी अगर 100 की बात करें तो 33 सीट महिलाओं की होनी चाहिए, होगी। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक बाकायदा राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। अब हर राज्य में इलेक्शन, एक जो जिसे कहते हैं स्टेट इलेक्शन बोर्ड, जो स्टेट में इलेक्शन कराएगा, और ये इलेक्शन किस किस का करा रहा है, पंचायत का, नगर पालिका का। राज्य सरकारों को जो अपना राजस्व है और अधिकार है,
यानी जहां से राज्य सरकार पैसा कमाती थी, जहां जो जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं, अब उन्होंने जो स्थानीय निकाय, जैसे मैंने पंचायत की बात कर रहा हूं, नगर निगम की बात कर रहा हूं, उसके लिए इन्होंने दिया और देना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अब बात कहां से आती है, जैसे आप यह देखिए, ग्राम पंचायत है, यहां पर पंच 5 लोग हैं और वो सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये जो 5 लोग हैं, किन्होंने चुने हैं? ये इन्हीं लोगों ने चुने हैं, इन्हीं इसी गांव के लोगों ने चुने हैं। ऐसे नगर पालिका है, नगर पालिका में क्या होता है कि हम एक बड़े क्षेत्र को अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं और हर एक वार्ड का मेंबर बना लेते हैं। फिर ये जो वार्ड वाले मेंबर हैं वो मिलकर एक मेयर चुनते हैं, अपना अध्यक्ष चुनते हैं, और ये अपने क्षेत्र के लिए आप वार्ड मेंबर के पास जा सकते हैं। तो बजट मेन चीज क्या आती है कि आपने, सरकार ने बाध्यता तो कर दी, संशोधन तो कर दिया, अब ग्राम पंचायत जो बनती है, ग्राम पंचायत जो बनी है उसमें जरूरी हो जाता है, ग्राम मतलब एक गांव में एक पंचायत बनती है 5 लोगों की, पंचायत मतलब 5, उसका एक हेड होता है जिसे पंच सरपंच कहते हैं। तो सरपंच या पंचायत जो होते हैं इसमें एक साल में दो या तीन बार बैठक करनी आवश्यक है, ये रूल है। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाले क्षेत्र है, वहां पर जो सरकार काम करती है उसको हम कहते हैं पंचायती राज। अब इसमें वार्ड समझिए, जैसे मैंने आपको नगर निगम में बताया ना, वहां पर भी गांव के लेवल पे भी वार्ड होते हैं। तो इसमें एक पंच होता है, वो सरपंच कहलाता है, जो अध्यक्ष होता है उन पांचों को, जिनको 5 को आपने इलेक्ट किया है। और वो कौन चुनता है इनको, जो आबादी है, जैसे ये लोग जो बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों ने इन पंचों को चुना हुआ है, और ये पूरे गांव के लिए, जिस गांव के लिए सरपंच चुने गए हैं उनका, उन उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, जो भी पॉलिसी बननी है उसका निर्णय कौन लेता है? यही सरपंच और बाकी 5 जिसे हम पंच कहते हैं वो लेते हैं। अब होता क्या है, ये एक लेवल हो गया, एक मान लीजिए एक गाँव है, यहाँ पर सरपंच या आप कहें पंचायत आपने चूज कर ली या इलेक्ट कर ली, चूज नहीं करते, इलेक्ट करते हमेशा। एक जिले में कई ग्राम पंचायत, अब ये एक गाँव है, अब एक जिले की बात कर लें, अब बहुत सारी जो गांव ग्राम पंचायत है वो मिलकर पंचायत समिति बनाती है, मतलब मान लीजिए ये मिलके एक पंचायत समिति बना गई, अब पंचायत समिति, इनको मंडल भी कहते हैं, ये मिलकर जिला परिषद बनाती है। अब एक जिला की बात कर लीजिए, एक जिला हो गया है ना, तो ये एक पंचायत समिति हो गई, ये एक पंचायत समिति हो गई, जिसमें और जो मेन लेवल पे क्या होता है, मेन लेवल पे तो हम कह रहे हैं जो पंच चुने हैं आपने, अब ये पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत मिलती हैं, ये मिलके पंचायत समिति बनाती है। जैसे एक पंचायत समिति ये, एक पंचायत समिति ये, इसके अंदर और भी है, एक पंचायत समिति ये, तो 3 पंचायत समिति बन गई इनको मिला के। अब ये जो पंचायत समिति है ये जिला परिषद बनाती है, ये जिला परिषद का गठन करती है। तो स्थानीय सरकारी निकाय शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद है, जैसे मैंने कहा ये शहरी क्षेत्रों में, यहाँ पर वहाँ पर भी इलेक्शन होता है, और इनको हम नगर निगम कहते हैं, नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका नगर निगम में अंतर होता है केवल जितने नंबर, जितने लोग वहां पर उस क्षेत्र में रह रहे हैं। बड़े क्षेत्र में नगर निगम होता है, तो बड़े शहरों में नगर निगम होता है। स्थानीय सरकार की जैसी ये जो प्रणाली मैंने बताई आपको, ये लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक और बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाली चीज है। तो एक चीज इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि जिला परिषद में, जो जिला परिषद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिला परिषद का गठन पंचायत समिति मिलकर करती है, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत आती है, तो ग्राम पंचायत पहले ये मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं, पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाते हैं, ये 3 लेवल हो गए। तो जिला परिषद में जो जिले के लोकसभा और विधानसभा के जो जैसे सांसद और विधायक चुने गए हैं ना, वो भी इस जिला परिषद के मेंबर होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। शहर देखिए, जो मैंने कहा कुछ संस्थाएं शहरों में काम करती है, शहरों में क्या होता है, नगर पालिका होती है, शहरों में नगर पालिका होती है, जैसे ये एक शहर है। लेकिन जैसे ही आप बड़े शहर की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करेंगे तो वहां पर, या कहीं कोई ऐसा क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे देहरादून की बात करेंगे, तो आपको नगर निगम मिलेगा वहां पर। तो नगर पालिका जो प्रमुख है, नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं, नगर निगम में, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए देहरादून क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ अलग अलग वार्ड है, एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर या कॉरपोरेटर चुना गया। अब ये सब मिलके एक अपने क्या है, हेड को चुनते हैं, और इसी को हम मेयर कहते हैं। तो नगर पालिका और नगर निगम में थोड़ा सा मैं अंतर और बता दूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए हमारे देश में करीबन 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। आप सोचिए कि नगर पालिका और नगर निगम में इतने मेंबर हैं, इतने लोग इलेक्ट होते हैं, 36 लाख, ये कई देश हैं उनकी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है।
तो नगर पालिका नगर निगम में जरा अंतर समझ लीजिए। नगर पालिका, एक नगर पालिका की आबादी 20,000 या उससे अधिक होती है, इसे हम जैसे कस्बा है, गांव है या छोटे समूह है, उन वहां पर नगर पालिका होती है। तो भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक रूप के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका मतलब शहर, मतलब ये ग्राम नहीं है, गांव से बड़ा है लेकिन बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा शहर है। नगर पालिका वहां होती है जो एक शहर है, यानी कि वो गांव भी नहीं है। जैसे गांव हो गया, फिर शहर हो गया, फिर बड़ा शहर हो गया, जैसे दिल्ली मुंबई बड़ा शहर हो गया, एक गांव हो गया, तो इनके बीच में जो आता है वहां पर नगर पालिका होती है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका शहर में होती है, शहर में। अब एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन जैसे ये 5 लाख से ऊपर हो गया, 5 लाख से ऊपर की जहां जनसंख्या होगी वहां पर नगर निगम अपने आप नगर पालिका नगर के निगम बन जाता है। तो नगर निगम, जैसे मैंने बताया, एक स्थानीय शासी निकाय के लिए कानूनी नाम होता है, और शहर, काउंटी, कस्बों, बस्ती, चार्टर बस्ती, गांवों, नगर सहित स्थलों के लिए ये बड़ा अच्छा शब्द है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, और सरकार भी इसे यूज़ करती है। तो ये देखिएगा, नगर निगम में मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लाख से या 2 लाख से अधिक जनसंख्या हो वहां पर नगर निगम का प्रशासन होता है। जैसे मैंने यहां पर जो बताया ना, यहां पर वो है नगर पालिका जो शुरू हुई है 20,000 से ऊपर, लेकिन जैसे ही 5 लाख बनती है तब वो नगर निगम बनेगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई बड़े बड़े महानगर हैं, वहां पर क्या है, यहां पर नगर निगम है, गांव में ग्राम पंचायत है और इसके बीच में आता है नगर पालिका।